I am Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आपको आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में लेकर आता हूं जिससे हमें बहुत सारी वोकेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, बहुत सारी लाइफ को सक्सेस करने का मौका मिलता है. एक ऐसा ही टॉपिक आज हम लेकर आए हैं, रिवाइवल ऑफ द कैटेकिसिस. ये टॉपिक जो है ये स्पेशली फॉर द क्रिश्चियंस, और ये जो टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट मैं इस सूरत में भी कहता हूँ कि अभी रिवाइवल कैसे कैटेकिसिस में हो सकती है चर्च में, उस हवाले से बात हम करना चाहते हैं. ये 19 सितंबर 23 को ये हैदराबाद डायसिस की एक मीटिंग हुई थी, और उसमें फादर इशफाक ने बड़े अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन किया हैदराबाद डायसिस मीटिंग में, और उसने बहुत ही अपने जो उसके अंदर एबिलिटी थी उसमें कैटेकिज्म के हवाले से, रिवाइवल के हवाले से जो उसने रिसर्च की और वो उनसे शेयर की. मैं समझता हूँ कि ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी चर्च के लिए, कि ये कैसे हो सकता है. आज हम बात करेंगे फादर इशफाक से, हमारे दरमियान में मौजूद है, वो हमारे दरमियान में आए हैं ताकि इस टॉपिक पर बात करें, तो हम उनको वेलकम कहेंगे. जी फादर जी, वेलकम विथ अस कि आप लाड़काना से हमारे दरमियान में आए, और ख़ास करके इस टॉपिक को मैंने आपको स्पेशल कहा कि ये ज़रूर करें ताकि हमारे चर्च के लिए हम बेनिफिट हो, हमारे लोगों के लिए बेनिफिट हो कि रिवाइवल कैसे, हम कैटेकिसिस जो है वो कैसे हो सकती है, कैसे हम कर सकते हैं. जी शुक्रिया आपका. जैसा कि सर मैक्स जेम्स ने हमें एक्सप्लेन किया है कि ये 19 और 20 सितंबर 2023 को हैदराबाद डायसिस में एक टॉपिक पे बात हुई, जो कि हैदराबाद डायसिस मीटिंग में हम एक जो हमारा वो एज अ रिसोर्स पर्सन फादर था बात करता है, तो जो मुझे टॉपिक मिला था वो था रिवाइवल ऑफ द कैटेकिसिस. तो जब हम ये बात करते हैं रिवाइवल की, रिवाइवल मीन्स दोहराई किसी चीज की भी. जब मुझे ये टॉपिक मिला तो मैंने सवाल किया कि ये रिवाइवल है कैटेकिसिस का, क्यों रिवाइवल की जरूरत पड़ी, व्हाई देयर इज नीड ऑफ द रिवाइवल द कैटेकिसिस. जी ये बहुत हमारे व्यूवर्स ये सुनना चाहेंगे, क्या ऐसी जरूरत पड़ी, इसका मतलब क्या है और क्यों जरूरत है अभी. तो जब मैं ये टॉपिक को तैयार कर रहा था तो मैंने सोचा कि जो हम कैटेकिसिस फॉलो कर रहे हैं, द कैटेकिसिस वी आर फॉलोइंग ऑलरेडी, इज देयर समथिंग रॉन्ग. देन आई कम टू ऑन दिस पॉइंट दैट व्हाट इज एनी चैलेंज टू आर कैटेकिसिस आर कैटेकिज्म. जब मैं इस पॉइंट पहुंचा कि हमें कोई चैलेंज है क्या, तो पता चला कि सिर्फ एक चैलेंज नहीं बल्कि हमें बहुत से चैलेंजेस हैं कैटेकिसिस में. वो चैलेंजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जो हमारी कैटेकिज्म है वो है, कैटेकिज्म जब हम कहते हैं सीसीसी, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, जो हमारी इब्तदाई तालीम है. जी जी. लेकिन जो कैटेकिसिस इज समथिंग डिफरेंट, वो क्या है? जी जी, कैटेकिसिस, कैटेकिसिस वो है जो हम दोहराई सुनते हैं, बाय हेयरिंग, अपने माँ बाप से सीखते हैं, जैसे बचपन से तालीम. हाँ जी, जैसे हम हमारे बाप की दुआ पढ़ते हैं तो हम बाय हार्ट उसको याद करते हैं.
हम सलाम मरियम की दुआ सुनते उसे हम बाय हार्ट याद, बहुत से गीत हैं जो हमें बाय हार्ट याद होते थे। लेकिन रिवाइवल की जरूरत पेश क्यों आई? आपको पता है कि आजकल जो दौर है उसमें जो मीडिया है, मीडिया के हवाले से मैं कहूँगा कि हमारी जो यूथ है वो उसमें फंस चुकी है, मैं यही कहूँगा। और दूसरे लफ्जों में कहूँगा कि द यूथ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मीडिया, हम हर चीज़ मीडिया से लेना चाह रहे हैं अब। और जो हमारी जो कैटेगरीज़म थी पहले, वो जगह जो है वो किसने ले, मीडिया ले लिए। जैसे देखो हमारी दादियाँ नानियाँ हमारी माएँ जो हैं वो रात को हमें सुनाती थी, वो लोरियाँ देख कर सुनाती थी। जी जी। अब जो है वो टीवी आ गया है, रोजरी पड़ी जाती है खानदानी रोजरी पड़ी जाती है, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करना, यूट्यूब यूज़ करना, बिल्कुल उसमें आ गया। ड्रामों ने जगह ले ली है, जो घर की जो हमारी दुआ थी खानदानी दुआ। इसीलिए जब मैं अपने याद करता हूँ दौर को, अपने बचपन को, तो मैं कहता हूँ इसीलिए रिवाइवल जो है उन चीज़ों को लेके आना वापस। एक्चुअली बाय द वर्च्यू ऑफ द बैप्टिज्म वी ऑल आर द कैटेकिस्ट। ये नहीं कि एक बिशप जो है वो कैटेकिस्ट कैटेकिज्म सिखाएगा, या एक फादर है या सिस्टर है। बाय द वर्च्यू ऑफ द बैप्टिज्म वी ऑल आर द कैटेकिस्ट। माँ बाप भी हैं, वो भी बच्चों को सिखा सकते हैं, हर कोई, हम एक दूसरे सीखते हैं। जी जी। तो मैं ये पूछना, करंटली क्या इसकी कैटेगरीज की सिचुएशन, जो भी करंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं कैटेगरीज्म की, तो जो इसके लिए चर्च क्या कर रहा है? चर्च जी, हम जो है ज़्यादा जोर लिटर्जी पे देते हैं, लिटर्जी पर, ताकि हम लिटर्जी सीखेंगे तो उन चीज़ों को जो हम, जैसे होशाना की बुक थी जी जी, उसमें से हम थी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी यूज़ नहीं होता, अभी हमने खुद लिख लिख के जो है ना अपने ही बना लिए हैं। so, गीत जो हाँ जी, मगर कुछ उसमें बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ अपने तरफ से जो हमारे ख्यालात हैं, जो शायर होता है जी जी, ठीक है, वो अपने ही तरीके से वो लिखता है जो हमारे ख्याल हैं, ठीक है, हम वही गाना शुरू कर देते हैं। देखिए मैं जो बात मैसेज देना चाह रहा हूँ इसके ज़रिए, वो ये है कि जब हम छोटे होते थे एक बाज़ाब्ता क्वायर होती थी, और वो बुज़ुर्ग उसमें सारे हमारे बहन बेटियाँ बच्चे भी, मैं खुश हुआ जो मैंने आखन लगे कि आओ ये हवा दे कार चलिए, सोहे मसीहा दे शेर सेरा, तो ये सारे गाते थे, उठ बैतलहम वाल चल जिंदड़ी। ये तो एक, लेकिन अभी वो यूथ जो है ना चर्चिस में, वो स्पेशल जो गीत उन्होंने करना है दूसरे, पूरी जो मेरा ख्याल है कि पूरा चर्च में जितने भी लोग हैं खामोश होते हैं वही गाते हैं, सोलो उसको कह सकते हैं। हाँ, सोलो क्या से कह सकते हैं, क्वायर, ठीक है, यह गीत जो है, लेकिन वो पुराने जो गीत थे वो पूरा चर्च गाता था, गूंजता था कि ये सब कुछ कर, वो रूहानियत है। हाँ जी, लेकिन अभी क्या ऐसे चर्च क्या इसमें चेंज करना चाहता है, क्या इसमें रिवाइवल करना चाहता है, क्या दुराई करना चाहता है, इसमें कैसे लाएगा यूथ को दोबारा से? फर्स्ट ऑफ ऑल जो चर्च है, हम कोशिश करते हैं जो हमारी यूथ है उसके ज़रिए, हम संडे स्कूल के ज़रिए, उसके बाद सेमिनार्स के ज़रिए, उसके बाद जो हमारी जो स्टडी होने, बुक पढ़ना सिखाएं, उसके बाद बाइबल स्टडी, देन जब ये हमारा जो डायसन मीटिंग, उसमें हमने बताया कि जो हमारा जो मसीह मज़हब है दिस अ पिक्टोरियल ना, वो तस्वीरी मज़हब है, उसमें हम देखते हैं हर चीज़ को। योहन्ना आरफ कहता कि मैंने देखा नए आसमान नए ज़मीन को देखा, मैंने एक शख्स को देखा वो बड़े की माँ तख्त पर बैठा है, और तोमर रसूल जिसकी हम कलीसिया हैं वो कहता है कि जब तक मैं उसकी उंगलियों के जो जख्म है उनमें उंगली डाल के देखूं, मैं यकीन देख लूं, देखने की बात है, सिचुएशन है देखने की, हम देख कर, क्योंकि हम भी जो हमारी कन्वर्जन है ये कि देख देख कर ना, ये सारी चीज़ ये तसव्वुराती मज़हब नहीं है, ये तसव्वुराती बातें नहीं हैं। तो जब ये हमारी मीटिंग हुई तो मैंने जो है अपनी हैदराबाद डायसिस जो है
इसमें से जो हमारी जितनी भी ट्राइबल्स जो हैं कम्युनिटीज उनको भी बुलाया मैंने, हर जो है कम्युनिटी से एक कैटिकेस को बुलाया, मास्टर जाहिद जो है वो पंजाबी कम्युनिटी से, देन कच्ची कोली कम्युनिटी से मास्टर अमरशी आए, उसके बाद मैंने भील कम्युनिटी, देन उसके बाद जो है पारकरी, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया कि कैसे हम रिवाइवल ला सकते हैं। हम बच्चों को पहले आपने देखा था कि जो बाइबल होती थी वो पिक्टोरियल होती थी, उसमें तस्वीर दिखाई जाती थी। जी 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 बिल्कुल पहले, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ वो है। लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है जिस तरीके से सिचुएशन है अभी, चर्च जो है इसमें क्या ऐसी उसके लिए स्ट्रगल तो बहुत है। पहले जो फादर थे लोग उनको याद अभी भी करते हैं, जो अभी फादर हैं अभी ठीक है वो एक रहनुमा हैं, लोग याद तो करते हैं, लेकिन वो जो अभी तक दे फाल फरमान की बात आपने की, उनको बहुत याद करना और ये सब कुछ करना, लेकिन अभी फादरों को इतना वो नहीं, रिस्पेक्ट तो है लेकिन वो इतना नहीं कि याद करना कि वो फादर था और वो ऐसा करता था, ये क्या इसका मतलब है? साडा फादर, साडा फादर अपना अपना फादर। तो ये क्या जो हमारी कहनाना बरादरी है, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा हाउस विजिटिंग जो है उसके जरिए, जैसे मैंने बताया कि फादर जी हमारे घर आके वो रात स्टे करते थे ना, तो हाउस विजिटिंग इसके जरिए हम इसको और मजबूत बना सकते हैं कलीसिया की, और जो हमारी कहनाना जो बुलाहट या कहनाना बरादरी है चर्च, इसको हाउस विजिटिंग के जरिए और क्लोजनेस एक तो जी जी सुनना, सुनने के जरिए हम जो है ये रिवाइवल ला सकते हैं। ओके कोई इस जो आपने स्पीच वहाँ पर दी 19 सितंबर को, ठीक है जी जी, क्या ऐसी खास बात थी जो कि वहाँ पर इस टॉपिक पर जो लोगों के लिए बहुत अच्छा, हमारी चर्च के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छी हो? जी, जो सबसे पहली बात ये है कि अपने जो बच्चे हैं घर में, क्योंकि जो भी फॉर्मेशन घर से शुरू होती है, बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं सिगमंड फ्रॉयड हो गया और जो भी हैं, वो ये कहते हैं कि जो पहली फॉर्मेशन बच्चे की 6 माह से 7 साल तक वो उसी पे जो है वो चलता है, बाकी पॉलिश होती है। तो जो है इसमें चर्च ये चाहता है कि माँ बाप जो हैं वो भी अपने जो बच्चों को जो फ्रेज है वो भी अंजाम दे। तो उसके साथ साथ जो हमारी जो खास बात रही वो कैटेकेस जो है, हमारे कैटेकेस मीन्स टू टीच द कैटेकिज्म। मैं कैटेकेस्टों के उनके लिए भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें द्वागो और कैटेकिज्म सिखाने वाले कैटेकेस बनना है। जी 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 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये नहीं कि जब बाद में आना है या जब ज़रूरत है तो फिर ही आना है, बल्कि महीने में एक दो चक्कर लगाने की ज़रूरत है राइट अपने लोगों की, क्या ख्याल है? जी, फिर जी। उसके बाद चर्च में थोड़ा सा चेंज, उसके बाद जो हमने प्लानिंग की कि हम एक कैटेकेटिकल ईयर मनाएं, जैसे सालमा सेंट जोसेफ का मनाते हैं यूथ का, ऐसे ही हम कैटेकेटिकल ईयर बनाएं, कैटेकेटिकल कमीशन बनाएं अपनी डायसिस में, जो जाके जो वो चेक करे गांव में जाके, जहाँ आउटरीच इलाकाज है वहाँ पे जाके देखे कि हाउ कैटेकिज्म इज गोइंग ऑन, हमारी यूथ किस तरफ जा रही है। ठीक है, बहुत अच्छा फाजी। कोई आप ऐसा कोई स्पेशल कोई बात करना चाहें तो बिल्कुल ये आप कर सकते हैं, आपको कोई स्पेशल बात हमारे चैनल के ज़रिए से कोई बात करना चाहें। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया कि मैं कोई स्पेशल पैगाम जो है वो दे सकूं, तो स्पेशल पैगाम मेरा यूथ के नाम पे है। जो मेरा ख़ास पैगाम है वो ये है कि खुदा का आदम होते बाप ने मैं ज़िंदगी अता की है और ज़िंदगी में बहुत सी नेमतों से नवाजा है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि खुदा ने आपको नेमतें कितने फ़ीसद दी हैं या खुदा की जो मोहब्बत है वो आप पे फजल कितने फ़ीसद, आपका जवाब होगा
100%। लेकिन जब मैं ये सवाल करूंगा शुक्रगुजार कितने फीसद है, तो ये सवाल मेरा पर्सनल है, आपका भी है। और खुदा ने हमें 24 घंटे दिए हैं, अब देखते हैं कि इन 24 घंटों में हम खुदा के लिए कितना वक्त निकालते हैं। मैं एक बात कहूंगा जो वैसे सबके लिए, ऑल व्यूअर के लिए, बाज़ुकात हम कहते हैं कि जी ये जो 10% है दहेज़ की देना लाजमी है। मैं समझता हूँ लाजमी है, मैं समझता हूँ लाजमी है, लेकिन नॉट फॉर द मनी, अपनी लाइफ से भी दे सकते हैं। वो जो 24 घंटे खुदा ने आपको दिए उनमें से आप 1 घंटे में से 10 मिनट खुदा को दें। कितना टाइम देते हैं अपने मोबाइल को, हो मेरे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देनी है। गुड मॉर्निंग गुड नाइट, मोबाइल हमारे पास हर वक्त मौजूद है, लेकिन खुदा जिसने मुझे पैदा किया है उसके लिए मैं कितना वक्त निकालती हूँ। ये मैसेज है मेरा फॉर ऑल द व्यूअर्स और ख़ासतौर पर यूथ के लिए, कि हम खुदा को अपने उस टाइम में जो खुदा 24 घंटे दिए, हम कितना खुदा को टाइम देते हैं। खुदा आपको बरकत दे। ओके फाजी, हमारे चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चैनल के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आपसे मुंसलिक रहता हूँ, आपके मैं जो टॉक्स हैं वो मैं देखता रहता हूँ। दिस इज एनर्जेटिक, हमें इससे एनर्जी हासिल होती है इस चैनल से। बहुत सी चीज़ें मैं भी सीखता हूँ। मैं जो व्यूवर्स हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इन चीज़ों को सीखें इनसे, और अगर आपके इन्फॉर्मेशन में कोई ऐसी बात आती है तो अपने चैनल पे सर हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो आए लाजमी। और चैनल एक नई रोशनी है मेरे लिए। मैं कहूँगा कि ये जो आपका चैनल है, ये फॉर यूथ और उन जो आउटरीच लोग बैठे हैं फेसबुक पे, वो इसको यूट्यूब पे देख सकते, उनके लिए नई रोशनी है ये। और इसमें आप जो है, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आप प्रीस्ट को देते हैं, ये एक नई रोशनी है, और दिस इज अ रिवाइवल आपकी तरफ से। जी मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं प्रीस्ट की लाइफ को भी जानना चाहते हैं, वो कैसे बना, क्या है, ताकि लोग सीखें उनकी लाइफ से कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे बने हैं। ओके थैंक यू सो मच फाज जी। माई डियर फ्रेंड्स और माई व्यूवर्स, आपने देखा कि रिवाइवल ऑफ द चर्च जो है, रिवाइवल ऑफ द कैटेकिस्ट जो है वो क्या है, फाज जी ने बहुत अच्छे तरीके से उसे बयान किया, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आपके लिए बहुत सीखने का मौका मिलेगा कैसे हम कर सकते हैं, खासकर कि ये प्रीस्ट के लिए भी है, कैटेकिस्ट के लिए भी है, और आम लोगों के लिए भी है कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके माई डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फाज जी, बहुत अच्छा।